हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैंने बनाए हैं जैम ब्रेड रोल। सच में ये बहुत टेस्टी बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। ज्योत्सना किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैम ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 ब्रेड, ग्रेटेड नारियल, बटर और जैम। जैम रोल को डेकोरेट करने के लिए मैंने हर्षी सिरप का यूज़ भी किया है। चलिए जैम ब्रेड रोल बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 4 ब्रेड ली है और मैंने इस तरह से चाकू की हेल्प से इन सभी ब्रेड्स के साइड्स काट दिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इन चारों ब्रेड के साइड काट दिए हैं। चारों ब्रेड के साइड्स कट चुके हैं। चलिए मैंने एक ब्रेड ली है और बेलन की हेल्प से मैंने इस तरीके से इसे फ्लैट किया है। धीरे धीरे करके हमें इसे फ्लैट करना है। इसके बाद मैंने इसमें धीरे धीरे जैम लगाया है। आपको जैम को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के से, और इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसे रोल करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब मैंने ये दूसरी ब्रेड ली है और इसे भी मैंने बेलन से इसी तरह से फ्लैट कर दिया है। आपको इसके कोनों को अच्छे से फ्लैट करना है ताकि इसका रोल बनने में कोई आसान दिक्कत ना आए। अब मैंने फिर से इसमें जैम लगा और हल्के हाथों से हम इसका एक रोल तैयार करेंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी की बची हुई ब्रेड के भी रोल तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये चारों ब्रेड के जैम रोल तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उस पर ये बटर डाला है। बटर को मैंने अच्छे से इस फ्राइंग पैन पर फैला दिया है और इस तरीके से एक एक करके मैं ये रोल रोस्ट करूँगी। बटर लगाने से इन रोल का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। दोनों तरफ से आपको इन रोल को सेकना है। ये देखिए हमारे ये रोल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए रोल भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। चलिए हमारे ये जैम ब्रेड रोल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। मैंने ये ग्रेटेड किया हुआ नारियल लिया है। इसे हम अच्छे से इन रोल के ऊपर डाल देंगे। इसे इन रोल का टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप का यूज़ भी किया है। ये ऑप्शनल है, अगर हम ना डालें तो भी कोई बात नहीं। मेरे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है इसलिए मैंने चॉकलेट सिरप का यूज़ किया है। एक चम्मच की हेल्प से आप इस तरीके से इस चॉकलेट सिरप को स्प्रेड कर देंगे। सच में ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आगे भी इसी तरह से नई नई रेसिपी पोस्ट करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।